अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। आपने बहुत सी कचौरी, कबाब और बहुत से समोसे खाए होंगे, लेकिन यकीन मानिए जो इसका फ्लेवर है और इसका टेस्ट आएगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा और बहुत ही खाने में ये क्रिस्पी होंगे और मज़ेदार तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी मूंग की दाल। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल को बॉईल कर लिया है, आधा घंटे पहले भिगोया था और बस मैंने इसको सिंपल पानी में बॉईल किया है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल। तो ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर और इसमें ऐड कर देंगे प्याज। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम होगी तो उसके बाद हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स बनते हैं, तो इस रेसिपी को आपने मिस नहीं करना। फुल प्रोसेस को वॉच करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये जैसे ही थोड़ा सा सोटे होंगे तो हम इसमें डाल देंगे और इंग्रेडिएंट्स, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, तो रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च और जितनी भी क्वांटिटी है आप अपने स्नैक्स के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ कैप्सिकम ली थी यानी कि शिमला मिर्च, और उसको मैंने ऐड कर दिया है। और जितनी भी सब्ज़ी ऐड की है वो सारी फाइन चॉप है, छोटी छोटी मैंने कट कर ली थी। इसको भी थोड़ा सा नरम करेंगे, उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम ऐड कर देंगे नमक, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक और लहसुन का पाउडर, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो ऐड कर लीजिएगा। इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सूखा धनिया, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। इसमें आपने पानी या कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, इसको ड्राई ही रखना है। इस मसाले को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ लेमन लिया है और इसको निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से और इसको मिक्स कर देंगे। अभी मैंने दाल ऐड नहीं की, पहले हमने मसाले की कुकिंग कर लेनी है और जैसे ही कुकिंग होगी साथ ही हमने दाल ऐड कर देनी है। दाल पहले से बॉयल है और बस हमने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसकी कुकिंग करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा, और रेडी करने के बाद हमने इसको ठंडा करने के लिए रखना है, उसके बाद हमने फिलिंग स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं पोटैटोज़ और इनको मैं मैश कर लूँगी। ये बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं, अगर आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मैशर की मदद से कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से इनको मैंने बॉयल कर लिया है। अब इनमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं, तो बहुत सिंपल से स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे काली मिर्च, इसके बाद ऐड कर देंगे नमक, और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी सूखा धनिया। बस यही 3 चीज़ें इसमें डालनी है और अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेना है। अगर स्पैचुला की मदद से करना चाहें तब कर लीजिए, और अगर आप हाथों की मदद से करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग होगी। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, हाथों की मदद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बहुत ही फाइन सा आपने इसका पेस्ट सा एक किस्म का बना लेना है, यानी कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे पोटैटोस, और इनको हाथों पर ही आपने स्प्रेड कर लेना है और ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है दाल की, और जब हम फिलिंग करेंगे तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने स्पून की मदद से लेना है दाल को, अंदर इस तरह से प्रेस कर देना है और आपने इसको शेप दे देनी है इस तरह से कबाब की। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, अंदर जो फिलिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी, और जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो इसका जो सारा टेस्ट है वो आपके एक एक बाइट में आएगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए कितने परफेक्टली इस तरह से रेडी हो जाएंगे। इस
तरह से कबाब सारे मैं रेडी कर लूँगी और बहुत इजी प्रोसेस है बनाने का, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपसे भी ये बहुत परफेक्ट बनेंगे। हाथों पर आपने पानी या ऑयल कुछ भी नहीं लगाना, बस सिंपल से इस तरह से रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर एक एग ले लूँगी मैं और एग को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इसमें ना तो मैंने नमक ऐड किया है ना ही कोई स्पाइसेस। पहले ये जो कबाब हमने बनाया है इसको ऐड करेंगे हम एग में, और इसके बाद जो ब्रेड क्रम्स हैं उनमें, ये ब्रेड क्रम्स भी घर में ही रेडी किए हैं, और इसी तरह से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में इनकी कोटिंग कर लेनी है, प्रेस करेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हमने इनको रख लेना है। इस टाइम पर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये जितने भी हैं कबाब इनको आप इसी तरह से किसी एयर टाइट बॉक्स में रखिए और फ्रीज़ कर दीजिए। जब दिल करे आप इन्हें निकालें और इन्हें फ्राई कर लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब हमने इनको फ्राई करना है तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। पहले ऑयल को थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ऑयल को गर्म होना चाहिए, और जैसे ही ऑयल लगे कि गर्म हो चुका है इसमें ये कबाब डाल देंगे। ठंडे ऑयल में आपने कबाब ऐड नहीं करने, क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जितनी भी ब्रेड क्रम्स हमने कोटिंग की हुई है वो सारा ऑयल सोक कर लेगी और कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, टूटने का भी खतरा होता है। तो आपने ऑयल को पहले गर्म कर लेना है, जैसे ही इनका कलर आना स्टार्ट होगा इनको टर्न कर लेंगे। शाम की चाय के साथ ये बेस्ट स्नैक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और अंदर जो इसकी फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और खाने में लाजवाब होगी। कचौरी से तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी, और जिस तरह कचौरी में पहले आटा गूंदना पड़ता है और पहले डो बनानी पड़ती है तो वो ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी सा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे इसी तरह से अगर आलू की फीलिंग कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये स्नैक्स आपके रेडी हो जाएंगे। देखिए कितना परफेक्ट सा कलर आ रहा है। परफेक्ट इवनिंग स्नैक्स हैं ये, और अगर आपके घर में टी पार्टी हो तब भी आप इन स्नैक्स को बना सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है और 10 मिनट्स में ही आप इन्हें रेडी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन स्नैक्स को केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेंगे, और गरम गरम सर्व करेंगे तो खाने में और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।